दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में सांस्कृतिक हस्तकला संकुल के मंच से राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिला सशक्तिकरण के लिए ये दिवस पूरे विश्व में एक नई चेतना और नया उत्साह पैदा करता है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि यही काशी है जिसने देश को वीरांगना मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी दी थी, जिन्होंने गुलामी की जंजीर में जकड़े भारत में नई ऊर्जा का संचार किया था। गौरतलब है कि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी के संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि मैं एक हिंदू होने के नाते चाहती हूं कि भगवान राम का मंदिर वहीं बने जहां उनका जन्म हुआ था। गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे आपसी बातचीत के जरिए मध्यस्थता का आदेश दिया है और मध्यस्थता के लिए कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं की सियासी कसरत भी शुरू हो गई है और इस बीच गुजरात में कांग्रेस के एक और एमएलए जवाहर चावड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और यही नहीं, यह भी खबर है कि चावड़ा जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। मिजोरम के राज्यपाल कुमानम राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजशेखरन का इस्तीफा स्वीकार कर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और खबर है कि राजशेखरन इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी नीरव मोदी के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित बंगले को गिरा दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए रायगढ़ के जिलाधिकारी विजय सूर्यवंशी ने कहा कि अलीबाग में समुद्र किनारे पर बनी नीरव मोदी के बंगले को विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि भगोरा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के इस बंगले को ईडी ने पीएनबी घोटाले के तहत जब्त किया था। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने कथित भूमि घोटाले के मामले में पूछताछ एक बार फिर से की है। वहीं इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उनके खिलाफ ये मामले 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के करीब आते ही उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने वाली याचिका को आज खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय से इस तरह के आदेश लेने के लिए चुनाव आयोग के पास जाने की सलाह दी। आपको बता दें कि आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में दिए गए आदेश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार कार्ड के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश देने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और इस मामले के सारे फसाद का जड़ कांग्रेस ही है। उन्होंने आगे कहा कि 1947 में नेहरू ने सोमनाथ की तर्ज पर कानून लाकर अगर अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर बना दिया होता तो आज ये विवाद ना होता। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस घोटाले में दर्ज सीबीआई और ईडी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी प्रदान करने में हुई कथित अनियमितता के संबंध में यह मामला चल रहा है।
एनसीपी ने कांग्रेस से आगामी लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे से बचने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की अपील की है। इस संबंध में एनसीपी का मानना है कि वोटों का बंटवारा होने के कारण बीजेपी को फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस ने फैसला किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जम्मू एयरपोर्ट पर आज दोपहर संदिग्ध वस्तु मिलने के कारण अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गुरुवार को ही जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, और इस घटना के बाद पूरी घाटी में पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है और सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान के बीकानेर जिले में आज भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके पायलट ने विमान से सुरक्षित कूदकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप का तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। आपको बता दें कि भूकंप की गहराई जमीन के अंदर 10 किलोमीटर थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को शाहपुर कंडी वेराज परियोजना की नींव पत्थर रखा और बताया जा रहा है कि इस परियोजना में लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि ग्रेजुएटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है जो कि ग्रेजुएटी भुगतान कानून के 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि अखरोट खाने से अवसाद का खतरा कम हो जाता है और एकाग्रता का स्तर भी बढ़ता है। इसके साथ ही रिसर्च में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अखरोट का सेवन करने से कैंसर और हृदय रोग जैसे बीमारियों के रोकथाम में भी मदद मिलता है। सिक्किम लोक सेवा आयोग द्वारा मेडिकल के विभिन्न 308 पदों हेतु भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 5 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट www.spscskm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गुरुवार को विश्व कप 2019 के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी को टीम में बने रखने की वकालत करते हुए कहा कि अगर कोई प्रतिभावान है तो उम्र कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म बदला आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें कि यह एक थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को देखने के लिए आज सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर सिनेमा प्रेमियों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग मूवी दिल बेचारा की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है और यह फिल्म अब 29 नवंबर को रिलीज होगी। आपको बता दें कि यह फिल्म मशहूर उपन्यास हॉल्ट द आर स्टार्स पर आधारित है। बढ़ते हैं अपनी वायरल खबर की ओर। फ्लिपकार्ट वुमेन्स डे सेल, कई स्मार्टफोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए फ्लिपकार्ट वुमेन्स डे सेल्स का आयोजन किया है। ये सेल 7 मार्च और 8 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई स्मार्टफोन पर आपको 80% तक का डिस्काउंट का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा लैपटॉप्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, डिजिटल कैमराज आदि पर भी इस सेल में डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय जीडीपी 7% से नीचे रहने की संभावना बेहद अधिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% से नीचे रह सकती है। नमूरा की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की गिरती कीमतों और विस्तारवादी बजट के बावजूद 2019-20 में भारत की जीडीपी के 7% से नीचे रहने की संभावना बहुत ज्यादा है।
IIT रुड़की ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित अन्य पदों के लिए निकाली वैकेंसी, आया नौकरी पाने का सुनहरा मौका। आपको बता दें कि IIT रुड़की ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा अन्य कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2019 है। इच्छुक आवेदक संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.iitr.ac.in पर जाकर आवेदन संबंधित अन्य जानकारी ले सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया आइडिया सखी सेवा। महिलाओं की सेफ्टी के लिए वोडाफोन आइडिया ने की ये पहल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वुमेन्स डे के मौके पर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं के लिए आइडिया सखी सिक्योरिटी सर्विस की शुरुआत की है। इस सेवा का लाभ प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स को मिलेगा। इस सर्विस के तहत इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी बैलेंस एंड प्राइवेट नंबर रिचार्ज जैसी सुविधाएं शामिल है। इस सेवा का लाभ स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन यूजर्स को भी मिल सकते हैं। 10 पहियों पर चलती है दुनिया की सबसे बड़ी SUV, मिलिट्री ट्रक भी है इसके सामने फेल। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाली खबर कोई झूठ नहीं है। आपको बता दें शेख की SUV के बारे में, जिसमें 4 नहीं बल्कि 10 पहिए लगे हैं। दरअसल UAE की सड़कों पर एक ऐसी SUV देखी गई है जो 10 पहियों पर चलती है। 10 पहियों वाली इस SUV का नाम हबियान है। 10 पहियों वाली इस SUV के मालिक का नाम शेख अहमद बिन हमदन अल नहयान है। 10 पहियों वाली इस SUV की लंबाई 10.8 मीटर, ऊंचाई 3.2 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। दिल्ली शहर में भी पा सकेंगे आप अपना खुद का आशियाना। DDA फ्लैट ने जारी की ये खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA की वर्ष 2019 के लिए नई हाउसिंग स्कीम का इंतजार खत्म हो गया है। 25 मार्च से नई स्कीम के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इसका ड्रॉ लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद निकाला जाएगा। योजना से संबंधित पूरी जानकारी DDA की वेबसाइट पर मिलेगी। अब TV चलेगा बिना किसी वायर और कनेक्शन के, नहीं करना होगा पावर सॉकेट से कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिणी कोरिया कंपनी सैमसंग को अपने प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, और इसी कड़ी में सैमसंग अब अपने LED TV की रेंज में एक ऐसा TV लॉन्च करने की सोच रहा है जो बिना किसी वायर के काम करेगा। बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई के लिए भी इसे पावर सॉकेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमसंग का मानना है कि अगर स्मार्टफोन को पूरी तरह से वायरलेस किया जा सकता है तो TV को भी वायरलेस बनाने में कोई खास परेशानी नहीं आनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम FCI में 4103 स्टेनोटाइपिस्ट सहित विभिन्न पदों के लिए आई बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय खाद्य निगम FCI ने स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 23 फरवरी 2019 से 25 मार्च 2019 के बीच FCI द्वारा घोषित इन पदों के लिए अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। NCR को मिला एक और एयरपोर्ट का तोहफा। गाजियाबाद से 6 राज्यों को मिलेगी फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद व दिल्ली के साथ NCR के अन्य शहरों के लोगों के लिए भी हिडन एयरपोर्ट टर्मिनल बड़ी सौगात में साबित होने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 प्रदेशों के 8 शहरों के लिए यहां से विमान उड़ाने पर मोहर लगा दी है। इंडिगो समेत 6 छोटी विमान कंपनियों ने यहां से विमान उड़ाने में रुचि दिखाई है। हिडन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को करने जा रहे हैं। मोबाइल डेटा भारत में सबसे सस्ता, 1 GB डेटा की कीमत महज 18.05 रुपए जबकि वैश्विक औसत 600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के बाजार में आने के बाद भारत में मोबाइल डेटा की कीमतों में भारी गिरावट आई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत महज 18.05 रुपए है जबकि वैश्विक औसत 600 रुपए है। कीमतों की तुलना करने वाली एक वेबसाइट cable.co.uk ने यह रिपोर्ट दी है। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने अपनी जमीन बाबा विश्वनाथ के लिए समर्पित की है। साथ ही पीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम अब काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के रूप में जाना जाएगा और इससे काशी की पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनेगी। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्ण रूप से महिला चालक दल वाली 12 अंतर्राष्ट्रीय और 40 से ज्यादा घरेलू उड़ानों को परिचालन कर रही हैं। एयरलाइन ने आज एक बयान में कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उसकी मध्यम और लंबी दूरी की 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चालक दल में केवल महिलाएं ही होंगी। गौरतलब है कि आज देश सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। केरल के वायनाड जिले में पुलिस के साथ चली एक लंबी मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। पुलिस ने संदिग्ध नक्सली की पहचान मल्लपुरम जिला निवासी नक्सली नेता CP जलील के रूप में की है। वहीं बताया जा रहा है कि नक्सलियों का एक समूह बुधवार को एक निजी रिसोर्ट में पहुंचा था और समूह के 10 सदस्यों के लिए खाने और पैसे की मांग कर रहा था।
लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इसकी तैयारियों में चुनाव आयोग से लेकर देश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लग रही घोषणाओं पर किसी भी समय विराम लग सकता है और आयोग इस बार अप्रैल से मई तक 7 से 8 चरणों में चुनाव करा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि चुनाव की तिथियों की घोषणा इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह की शुरुआत में होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र में एनडीए की मौजूदा सरकार सबसे कमजोर सरकार है और इसके नेता केवल भाषण देने में अच्छे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अब नेताओं के बीच एक दूसरे को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार मौजूदा एवं उभरते हुए क्षेत्रों में नई आजीविका का निर्माण कर रहे हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सिर्फ 8 क्षेत्रों में 2025 तक 10 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। एमपी के सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने 76 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के साथ साथ अपने वचन पत्र में शामिल 83 वादों को पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आशा जताई कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 लोकसभा सीटों में 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। गौरतलब है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता अब जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने का कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में विधानसभा भंग होने की खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। भारतीय सेना ने अहम फैसला लिया कि बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों की संख्या को बहुत जल्द ही बढ़ाया जाने वाला है और सूत्रों की माने तो कर्नल रैंक के अधिकारी जो अभी तक आर्मी हेडक्वार्टर में तैनात थे उन्हें जल्द ही जंगी मोर्चे पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने की है। वहीं बताया जा रहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव अमरेली, मेहसाणा या जामनगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है और बताया जा रहा है कि ममता प्रचार अभियान की शुरुआत टीएमसी की महिला इकाई द्वारा कोलकाता के श्रद्धानंद पार्क में आयोजित रैली से करेंगी। गौरतलब है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और विभिन्न राजनीतिक दल अब चुनावी प्रचार प्रसार में लग गई है। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी मौसम ने देश में दस्तक दे दी है। इसी बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी के ग्वालियर में आज आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। आपको बता दें कि यह संघ की सबसे पावरफुल बॉडी की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम कानपुर, आगरा, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद के दर्जन भर से अधिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस तक ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां देश के विभिन्न राज्यों में शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी की 11 और गुजरात की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी ए चेयरपर्सन सोनिया गांधी यूपी के रायबरेली से तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैन्य सूत्रों की माने तो भारत ने गुरुवार को 10 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस के साथ $3 अरब का समझौता किया है और बताया जा रहा है कि भारत और रूस ने कई महीनों तक कीमतों और समझौतों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के बाद इस अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी हलचल अब तेज हो गई है और इसी बीच बताया जा रहा है कि आज भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक होने की संभावना है, जिसमें चुनावी तैयारियों और पार्टी के प्रचार अभियान का जायजा लिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भाग लेने वाले हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार महिलाओं व संस्थाओं समेत 44 को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में होने वाले विशेष समारोह में सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि चयनित लोगों को 1,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के आदेश दे दिए हैं और कोर्ट ने इसके लिए पैनल गठित करने के आदेश भी जारी किए हैं और मध्यस्थता बोर्ड के सदस्यों में श्री श्री रविशंकर के साथ ही श्री राम पंचू को भी शामिल किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने नशीले पदार्थों की जब्ती के 2 दशक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दाखिल जमानत याचिका को बीते दिन गुरुवार को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि संजीव भट्ट मादक द्रव्य जब्ती के 23 साल पुराने मामले में पिछले साल सितंबर से सलाखों के पीछे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने हक और दिव्यांग बेरोजगार भाइयों का साथ देने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार ने हमारे संवाददाता राजकुंद्रा से खास बातचीत में आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजकुंद्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं राजकुंद्रा। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पे राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन की जो है आज यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और अपनी 10 मुख्य मांगे जो सरकार से मांगी गई है उनसे इसी मुद्दे में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या वजह थी उसके बारे में बताएं। देखो, ये जो मूवमेंट थी वो अंडरग्राउंड तो आज तक चली रही थी, पर उसको बाहर लाना ज़रूरत था। तो मैंने पहला ही किला दिल्ली का चुना है। दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश आप फैलाना चाहते कि अब दिव्यांगों की मांग को पूरा किया जाएगा, दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। हमने दिल्ली से शुरुआत की है और पूरे देश में इसको 15 से 20 दिन के अंदर फैला देंगे। अमित जी, आपको नहीं लगता जिस देश में भीख भी प्यार से नहीं मिलता उसमें आपने 10 मांगे इस तरह से मांगे, सरकार आपको ऐसी दे दे? देखो, हमारी मांगों को आप गौर फरमाएंगे तो ऐसी कोई मांग नहीं है जो किसी का हक और अधिकार छीन के मांगी गई। क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं सर? मुख्य मांगे हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि दिव्यांगों को उसके प्रतिशत के आधार पे, कितने परसेंटेज वो दिव्यांग है उसके आधार पे उसको माह प्रति माह पेंशन दिया जाए, मिनिमम 8,000 रुपये, जिससे वो अपने परिवार का गुजरान चला सके, भीख न मांगनी पड़े उसे। सरकार ये नहीं कर रही है तो सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले में पहले जितनी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर और लिमिटेड कंपनी है उसमें जितने भी पोस्ट है, जैसे लिफ्ट मैन का पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, ये सारे पोस्ट जो दिव्यांग कर सकते हैं उसको अलग कोटा से दिव्यांग में भरपाई करना चाहिए, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इससे भी भरपाई नहीं हो पाएगी मुझे पता है, क्योंकि 3.5% है। हम कम नहीं हैं, हम देश की 4 से 5 करोड़ आबादी है। आप सही से गौर फरमाइए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक से 2.75%, दैट मीन्स कि 3.5% दिव्यांग तो वोटर है, 3.5% दिव्यांग वोटर है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और हार जीत कितने की है? 0.50% की, 0.50 भी ज़्यादा है। मैंने आंकड़े बिठाए थे कि 10% सीटें ऐसी है जो बड़े मार्जिन से जीती जाती है, 10% सीटें। हाँ, वो भी मार्जिन कितना होता है? 3-4 लाख 5 लाख वोटों से, आप समझो। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1.5 से 2 लाख दिव्यांग है, उसका परिवार मिलाऊं तो 8 लाख लोग हैं हम, आप समझो। हम की बात करें, हमारे देश जब से आज़ाद हुआ कांग्रेस सरकार ने दिव्यांग के लिए व्हील चेयर बांटा, फिर जब मोदी सरकार आई उन्होंने विकलांग को दिव्यांग नाम चेंज कर दिया, लेकिन रोजगार वो कौन सी सरकार है क्या आपको दिव्यांग चुनेंगे तो देंगे? क्योंकि व्हील चेयर पे जो रोजगार करते हैं तो एमसीडी उसकी दुकान उठा लेती है। हाँ, तो वो पेट कहाँ से पाले, वो रोजगार कैसे करेगा? अगर आपसे के साथ जुड़ती है जनता चुनेगी तो क्या ये चीजें जो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो सारी चीजें? देखो, पहले तो दिव्यांग है अपनी व्हील चेयर पे वो बैठ के अपना रोजगार पा रहा है, बहुत बड़ी बात है, स्वाभिमानी है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आपको यदि नड़ रहा है, आपको रोड पे भी अपनी दुकान चला रहा है साइकिल पे बैठ के और आपके पुलिस वाले परेशान करते हैं तो आप मत बैठने दो। मैं नहीं कह रहा हूँ उसे, तो उसको कोर एक जगह पे बिठा के, म्यूनसिपालिटी के बहुत सारे कॉमन प्लॉट हैं, वहाँ पे आके एक छोटा सा स्टॉल लगवाइए उसका, आप समझो। चाहे उसका भाड़ा ले ले हमसे, हम ये नहीं कह रहे फ्री में बिठाइए, आप वहाँ पे बिठाए, वहाँ बैठ के वो रोजगार पाएगा। ये भी नहीं कर पा रहे तो सिटी के कोई कोने में एक छोटा सा रोजगार डालिए, वहाँ वो बेचारा जाएगा अपना रोजगार कमाएगा। दिव्यांग को अपना पेट पालना है, बाल बच्चे पालने हैं, ऊपर से नहीं पड़े हैं, माँ बाप से ही आए हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनके आँखों में आंसू देखे। आज ये बात कहते हुए मेरी आँखों में आंसू आ रहे हैं कि मैं तो लड़ सकता हूँ, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो वहाँ तक लड़ूंगा कि सरकार ने बात नहीं सुनी।
तो मैं दिल्ली का हर एक कोना जाम करूंगा, ये मेरी आप रिक्वेस्ट समझे या मेरी चेतावनी समझे। लास्ट मैसेज क्या रहेगा? लास्ट मैसेज यही रहेगा, सरकार को भी रहेगा, देश की जनता को भी रहेगा, जहां भी देखे जहां भी जाए दिव्यांग को एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भारतीय दिव्यांग संगठन आपके लिए लड़ रहा है, आप उसमें सहयोग दें, आपसे भी जो बने उतना ये शेयर और न्यूज़ को फैलाए। और यदि आपकी एक शेयर या आपकी एक न्यूज़ किसी दिव्यांग का भला कर सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए। तो ये थे अमित कुमार जी, जिन्होंने बताया कि सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी नहीं मिलने के कारण अब जो है इन्होंने सरकार जो खुद ही लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार को चलाने के लिए हाथ पैर की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास है। देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सरकार इनकी 10 मांगों को पूरा करती है या फिर इसी तरह से इनका प्रदर्शन चलता रहेगा, ये तो आने वाला कल आपको बताएगा। फिलहाल कैमरामैन हितेश के साथ मैं राज कुंद्रा, दिल्ली। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।